हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। आज आपकी साइंस की सेकंड क्लास है जो कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो आपकी आज का जो टॉपिक है वो वर्गीय है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? आपको बताना है कि किस में खुर नहीं पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है हिरण, गीदड़, जेब्रा या घोड़ा। तो देखिए, जो गीदड़ है इसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गीदड़, क्योंकि गीदड़ के में खुर नहीं पाए जाते, जबकि हिरण, जेब्रा, घोड़ा इनमें तीनों में क्या खुर पाए जाते हैं। जबकि गीदड़ में क्या है, इसके पैर कैसे होते हैं, इसके पैर गद्दीदार होते हैं, गद्दीदार होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि गीदड़ के पर गद्दीदार होते हैं। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस आरियस, आरियस, ठीक है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैनिस आरियस। और इसके पैर कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं। और अगर आपसे पूछ लेते हैं ये किस प्रजाति में आता है, तो ये कुत्ते के एक परिवार की प्रजाति में आता है। किस में आता है, कुत्ते, कुत्ते की एक प्रजाति है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी प्रजाति को, इम्पोर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है? आपको बताना है जो नील गाय है वो किस कुल में आती है, गाय में, बकरी में, भेड़ में या हिरण में। तो देखिए, जो आपकी नील गाय है वो गाय कुल में नहीं आती है, बल्कि आपकी नील गाय आती है हिरण कुल में। याद रखिएगा, जो नील गाय है वो हिरण कुल में आती है। आप उसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि नील गाय है लिखा उसके साथ में, उसके नील के साथ गाय जुड़ा हुआ है, तो आप सोचें कि गाय कुल की, तो ऐसा नहीं है, वो आपकी हिरण कुल की है, ठीक। और अगर आप प्रजाति पूछें तो उसकी प्रजाति मृग प्रजाति, क्या है, मृग प्रजाति की है, ठीक। ये मृग प्रजाति की है, और मृग का मतलब होता है जिन जंतुओं में जो क्या कहते हैं स्थाई सींगें पाई जाती हैं, उनको मृग प्रजाति में रखा जाता है। याद रखिएगा, मृग प्रजाति मतलब उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें क्या है, स्थाई सींगें होती हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी सींग एक बार निकल आती है तो वही रहती है, अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं निकलती है। जैसे कि हिरण की साल में टूट के फिर से निकल सकती है, पर आपकी नील गाय की नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कपी नहीं है, गिबन, गोरिल्ला, लंगूर या ओरंग उटान। देखिए, आपका कपी जो है, लंगूर जो है कपी में नहीं आता है, जो लंगूर है वो कपी में नहीं आता, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बल्कि ये वानर वर्ग में आता है। किस में आता है, ये वानर वर्ग में आता है, वानर वर्ग में आता है। और जो आपके बच्चे गिबन, गोरिल्ला और ओरंग उटान, ये आपके कपी वर्ग में आते हैं। और देखिए, ये किस में आते हैं, कपी वर्ग में आते हैं, और कपी वर्ग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आपका है हीन, हीन कपी, और एक है महाकपी, ठीक है। हीन कपी क्या, ये जो हीन कपी वो तो छोटे आकार के होते हैं, ये क्या है, छोटे आकार के होते हैं, और महाकपी ये जो है बड़े आकार के होते हैं, और ये मानव से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल हीन का, अगर पूछ लेते हैं आपसे कि हीन कपी कौन है, तो जो आपका गिबन है वो हीन कपी में आता है, कौन, गिबन आपका हीन कपी में आता है, और आपके जो गोरिल्ला और ओरंग उटान है ये किस में आते हैं, महाकपी में आते हैं, और चिंपैंजी भी आपका महाकपी में आता है, ठीक है, और मनुष्य भी आपका महाकपी में आता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि लंगूर कपी है या नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये वानर वर्ग में आता है, और गिबन, गोरिल्ला और ओरंग उटान ये आपके कपी में आते हैं। और अगर इसमें भी आपसे पूछ लेते हैं कि गिबन किस कपी में आता है, तो ये हीन कपी में आता है, और गोरिल्ला ओरंग उटान किस में आता है, तो ये महाकपी में आता है, और आपका जो चिंपैंजी है वो भी आपका महाकपी में आता है, और जो मनुष्य है वो भी आपका महाकपी में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? आपको बताना है जो उड़ते हैं पर वो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, जैसे कि चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। आपको पता होगा जो चमगादड़ है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, बल्कि ये क्या है, एक स्तनधारी है,
स्तनधारी है। ठीक है, याद रखिएगा, आप जानते हैं कौवा, तोता, चील, ये तो पक्षी वर्ग में आता है, बट आपको जो चमगादड़ है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता, वो एक स्तनधारी है। ठीक है, जो कि रात में जो है निशाचर प्राणी है। ठीक, रात में उड़ता है और दिन में आराम करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एकमात्र जो है स्तनधारी ऐसा है जो मतलब क्या है, उड़ता है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चमगादड़। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी, आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्तनधारी है, कौन सा स्तनधारी नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए जो समुद्री गाय है ये स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी है, और आपका जो समुद्री सिंह है ये भी स्तनधारी है। ठीक है, जो आपका समुद्री घोड़ा है ये स्तनधारी नहीं बल्कि क्या है, मछली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका समुद्री गाय और समुद्री सिंह है ये आपके स्तनधारी हैं, जो पर जो है आपका जो समुद्री घोड़ा है वो क्या है, स्तनधारी नहीं बल्कि मछली है, एक कशेरी की मछली है। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत कीजिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपको बताना है कि डॉल्फिन किस में आते हैं, मत्स्य में आते हैं, उभयचर में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, या स्तनी में आते हैं। तो देखिए जो आपका डॉल्फिन है वो स्तनी में आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डॉल्फिन आपका स्तनी वर्ग में आता है। ठीक है, और ये क्या है, जो आपका डॉल्फिन है बहुत ही बुद्धिमान होती है, ये याद रखिएगा, जो क्या है, डॉल्फिन है स्तनी वर्ग में आते हैं और ये एक बुद्धिमान जंतु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का, आपको बताना है सील की प्रजाति, आपको बताना है किसकी प्रजाति बताना है, सील की। ये क्या है, मछली है, पक्षी है, सरीसृप है, या स्तनपाई। ठीक है, तो स्तनपाई बोले या स्तनधारी बोले एक ही बात होती है, तो जो आपका सील है वो आपका स्तनपाई है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो सील है वो स्तनपाई है। ठीक है, और ये बहुत ही शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है, और क्या कहते हैं, देखिए जो सील है क्या है, ये बहुत ही चुस्त शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है, और क्या कहते हैं, शिकार करने के लिए ये अपने नुकीले कैनिन दांत का यूज़ करता है। क्या, इसका नुकीले कैनिन, कैनाइन, ठीक है, कैनाइन दांत का यूज़ करता है, किसके लिए, शिकार करने के लिए। और ये तैरने के लिए क्या यूज़ करता है, तैरने के लिए ये चप्पू या फ्लिपर्स का यूज़ करता है, चप्पू या फिल्पर्स। ठीक है, याद रखिएगा जो सील है वो आपका स्तनपाई है, और ये शिकार करने के लिए नुकेले कैनिन दांत का यूज करता है, ये क्या है, दांत है। ठीक है, और इसके क्या कहते हैं, तैरने के लिए चप्पू या फिल्पर्स का यूज करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, आपको बताना है कि जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा मछली नहीं है, स्टार फिश, साफ फिश, या पाइप फिश, या गिटार फिश। ठीक है, तो जो आपकी स्टार फिश है वो आपकी मछली नहीं है, तो याद रखिएगा स्टार फिश क्या है, मछली नहीं है। हम लोग मछली समझते हैं क्योंकि उसके नाम क्या है, फिश जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि मछली होगी, पर वो क्या है, मछली नहीं है। और ऐसे और भी कई जो है मछली के नाम है जो आपको लगता है मछली है पर वो मछली नहीं है, जैसे कि आपका जेली फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, कैटल फिश हो गया। ठीक है, अगर ये भी कोई जो है आपके ऑप्शन में दे रखे हैं तो याद रखिएगा कि ये भी आपकी क्या है, मछली नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मछली नहीं है, ये क्या है, मछली नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, आपको बताना है जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, समुद्री कुकुम्बर, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, या समुद्री बाघ। तो आपको इसमें से अब बताना है कि कौन सा मछली है। ठीक है, तो आपका समुद्री घोड़ा ये किस में आता है, मछली में आता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। इस क्या है, समुद्री घोड़ा आपका मछली में आता है। ठीक है, और समुद्री गाय ये क्या है, ये आपकी स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? आपको बताना है सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा या ध्रुवी भालू। तो जो व्हेल मछली है वो आपकी सबसे बड़ी स्तनपाई है, ठीक है। कौन सी? व्हेल मछली, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, व्हेल मछली। ये मतलब जलीय जंतु में सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते इसकी लंबाई कितनी होती, तो आप देखिए इसकी लंबाई होती है 33 मीटर से भी अधिक होती है, और इसका वजन 180 मीट्रिक टन से अधिक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा स्तनपाई व्हेल मछली, और अगर आपसे पूछे इसकी लंबाई तो 33 मीटर से भी अधिक होती है, और इसका वजन 180 मीट्रिक टन से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आपको बताना है कि आलू, शकरकंद, बंडा और जिमीकंद में कौन सा रूपांतरित जड़ है, कौन सा जड़ है, ठीक है। तो आलू है, शकरकंद है, बंडा है या जिमीकंद है? तो देखिए जो आपका शकरकंद है वो क्या है, जड़ है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। शकरकंद जड़ में आता है, जबकि आलू और अंडा, जिमीकंद ये आपके क्या, तने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? आपको बताना है कीट नहीं है, कौन किसको कीट नहीं बोलेंगे, तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी। तो देखिए आपका कीट जो किया है, मकड़ी आपका कीट में नहीं आती, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मकड़ी। देखिए एक कीट की सबसे विशेष विशेषता होती है कि उसके तीन जोड़े या 6 पाद होते हैं, ठीक है, और मकड़ी के बल्कि 8 पाद होते हैं, इसलिए आपका मकड़ी क्या है, कीट में नहीं आता। तितली, तिलचट्टा और मच्छर ये आपके किस में आएंगे, कीट में आएंगे, पर मकड़ी आपका कीट में नहीं आएगा। और याद रखिएगा जिसके 3 जोड़े या 6 पैर होते हैं वो कीट में आते हैं, ठीक है। बताना है आपको, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। देखिए जब चींटियाँ हम लोग को काटती हैं तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती हैं, कौन सा एसिड निकालती हैं? तो आपके ऑप्शन है ग्लाइसल एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल या स्टेरिक अम्ल, ठीक है। तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल निकलता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इससे क्या होता है, जब चींटी हमें काटती है तो वो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में पहुंचता है, तो जिससे क्या होता है, चिनचिनाहट और थोड़ी दर्द का आभास होता है, ठीक है। और जो आपका फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है, ये क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा जो फॉर्मिक अम्ल है वो आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और इसका यूज़ भी हम लोग करते हैं, अभी बता रहे किस में यूज़ करते हैं। देखिए जो आपका फॉर्मिक अम्ल है इसको जो है रबर के व्यवसाय में यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, रबर के व्यवसाय में यूज़ करते हैं, जीवाणुनाशी के रूप में यूज़ करते हैं और जो है आपको क्या है कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल, देखिए फॉर्मिक अम्ल किससे निकलता है, तो चींटी के काटने से निकलता है, ये एक कार्बनिक यौगिक है, और इसका यूज़ रबर व्यवसाय में, जीवाणुनाशी में और फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? देखिए जो मकड़ी जो रेशम उत्पादित करती है वो कौन सा रेशम कहलाता है, आपको बताना है टसर रेशम, मूंगा रेशम या गास्मीर रेशम या फिर अहिंसा रेशम। तो मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है आपका गास्मीर रेशम, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आपको बताना है कि कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू, ठीक है। तो आपका जो रूपांतरित स्तंभ है वो आपका है आलू, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आलू। और अगर आपसे पूछ लेते रूपांतरित जड़ कौन सा है, तो वो शकरकंद, ठीक है, याद रखिएगा। आलू आपका रूपांतरित स्तंभ है, या फिर रूपांतरित तना बोले, या और अगर आपसे पूछे जड़ कौन सा है, तो शकरकंद,
ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चन थे साइंस के, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।